आध्यात्मिक ज्ञान स्व इच्छा से चलने का रास्ता है ना, जबरदस्ती चलने का रास्ता नहीं। जैसे शास्त्रों में सब जगह पूछता नहीं, चुप रहना, जो कहते हो सुनना, नहीं आप पूछ लो। देखो अर्जुन को कितना ज्ञान सुनाया, ये क्यों, ये क्या, कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है। यहां भी आपको भी ऐसे नहीं चुपचाप सुनना, नहीं पूछो, ठीक है। देखो दीदी पढ़ के आप बताओ, हाँ बैठ के बताओ। एक ने तो बहुत बड़ा पत्र लिखा दिया, शुभ आवे। पहला क्वेश्चन है, अमृत वेले योग के समय जब हम परमधाम जाते हैं, उस समय वहां ज्यादा समय तक रहने के लिए किस तरह के संकल्प आने चाहिए? वो विधि बताया देगा। अगर मैं आपसे बात करते आधा घंटे तक महात्मा भाई से बात करते रहना, तो कुछ पूछते रहेंगे तो ठहरेंगे ना, नहीं तो निकल जाएगा एक मिनट के बाद। तो विधि बताया था, बाबा की 8 शक्तियां हैं, एक एक शक्ति लेके बात कर। बाबा आप कहते हो पवित्र रहो, आप तो ऊपर रहते हो, हम तो इधर थे, पवित्र कैसे रहे, किसने आपको तो शरीर है ही नहीं है, आप किसमें पवित्र हो, आप पवित्रता के सागर के तो किसमें पवित्र हो, कैसे पवित्र हो, हम कैसे रहे, ऐसे बात करो। बाबा आप कहते हो गुस्सा नहीं करो, आप संसार में आओ तो पता चलेगा गुस्सा कैसे आता है, ऊपर बैठे हो और भाषण करते हो, गुस्सा नहीं करो, ऐसे बाबा से बात करते रहो। एक एक शक्ति 8 शक्ति है, 8 मिनट बाबा से बात करते रह सकते हो, लेकिन बाकी बात नहीं करना कि बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, मेरे पति को ठीक करो, ये बच्चों, ये नहीं बोलना। सिर्फ शक्ति, सर्वशक्तिमान का, एक एक शक्ति लेके बात करो। बाबा मैं आप कहते हो मेरे जैसे बनो, आप पवित्रता के सागर, मैं आप इससे कैसे बनो, क्या करो। बाबा ने कहा मैं टीचर हूं, पढ़ाने आया, सिखाएगा, टचिंग देगा, बच्चे ऐसे करो, शक्ति देगा, है ना, ऐसे हर चीज। ये 8 प्रश्न है, 8 मिनट वहां जोड़ के रख सकते, 8 शक्ति याद रहेगा। बताया था पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुखहरता सुखकर्ता, मुक्ति जीवन मुक्तिदाता, भाग्य विधाता, दिव्य। 8 शक्तियां है सर्वशक्तियों में मुख्य, एक एक शक्ति लेके बात करो, है ना। बाबा से आराम ऐसे बैठता, कुछ दिखाई नहीं देता है, ना आत्मा परमधाम जाती है, यहां ही बैठे हो। जैसे मोबाइल आपके पास है, नंबर डायल किया, आपका आवाज यहां से उधर गया, कैसे गया वो, ऐसे ही आत्मा का आवाज परमधाम में जाता है। आत्मा समझना है, आत्मा समझने के लिए 5 प्रश्न बताया था, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया, किससे पूछा, मन पूछता बुद्धि से, मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है। तो ये 5 नंबर आपने डायल किया, आत्म अभिमानी बन गए। आप फिर बाबा से बात करो, आत्मा का आवाज परमात्मा के पास पहुंचता है, समझ में आया। अगर ऐसे रोज करते हो, इस आधा घंटे के अंदर आपके मन और बुद्धि में देह और देहधारी के कोई विचार नहीं आए, उसको कहते हैं लाइन क्लियर, उसको कहते हैं आपका योग लग गया। अगर इस करते समय दूसरे विचार आए तो योग लगा टूट रहा है, बीच में कोई आ रहा है ना। तो यहां से वहां तक देह और देहधारी के कोई विचार नहीं आता है, मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देते हैं, ये दोनों बात करते करते सीधा जाते हो वहां ही, 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट रहते हो, तो आपकी सारी शक्ति यूज होती, उसको कहा जो पवित्र है वो योगी है, और जो योग लगाता है उसको शिव बाबा की पवित्रता की शक्ति मिलती है, समझ में आया। विधि पता चला, जिसने पूछा कैसे योग, कैसे बाबा से बात करते रहना है, 8 शक्ति के अलावा कुछ नहीं करो। हाँ और कुछ पूछना है तो सूक्ष्म मतन में ब्रह्मा बाबा से, बाप दादा दोनों है, वहां रूढ़ या वो भी नहीं कर सकते हो, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा से बात करो, बाबा कमरे में सुनाई देता है। परम धाम में कोई भी बात और नहीं करना, ओनली अष्ट शक्ति का, को उनको शरीर नहीं शिव बाबा का, संसार का ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे कुछ पूछते हो आप बाबा से पूछो, बाप दादा बैठे सूक्ष्म तक रूरियान कहते उसको, शिव बाबा निराकार, सिर्फ सर्वशक्तिमान है,
हमको बाप को कहता था मेरे बच्चे भी मेरे जैसे बने हैं, जैसे बाप है, तो इसलिए ऐसे चिंतन करना चाहिए। ठीक है।